अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल राजू ऑनलाइन पे। तो आज हम देखेंगे कि अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में किस तरह से ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू टैब खोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गूगल, ठीक है, सर्च का कंसोल लिख देते हैं, ठीक है। तो यह हमारे पास गूगल सर्च कंसोल आ चुका है, तो इसको हमने करना है ओपन, ठीक है। जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट का यूआरएल है इसको हमने करना है कॉपी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो हमारी डोमेन लगी हुई है तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं और इसको करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। ये हमारी ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड हो चुकी है क्योंकि हमारा ब्लॉग भी इसी जीमेल पे बना है, तो हम गूगल सर्च कंसोल भी इसी पे बना रहे हैं। तो गो प्रॉपर्टी पे जाएंगे, तो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने आना है साइट मैप पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है ब्लॉग यहाँ पे ऐड हो चुका है और यहाँ पे हमारी पोस्ट शो नहीं हो रही। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था क्लास दो में, तो ये हमने एक ऐड किया था गूगल सर्च कंसोल का एड टैक्स, अब ये काम इसका आ रहा है, ठीक है, जो हमने ये ऐड किया था कस्टम रिपोर्ट टैक्स। तो यहाँ पे हमने लिखना है साइट मैप डॉट XML। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी पोस्टें होंगी तो यहाँ पे शेयर वो अपडेट हो जाएंगी। देख लें, एक हो चुकी है, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप पोस्ट करनी है तो सबसे पहले साइट मैप करना है ताकि यहाँ पे पोस्टें अपडेट हो सकें। उसके बाद जो हमारी पोस्ट है इसको हमने करना है लिंक कॉपी और इसको हमने मैनुअल भी इंडेक्स करा देना है, ठीक है। पेस्ट करके इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे भेज देंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा नहीं, 10-15 सेकंड लेता है और हमारी पोस्ट जो है इंडेक्स रिव्यू में चली जाती है। तो 24 घंटे या 48 घंटे में ये इंडेक्स हो जाती है। वेबसाइट के लिए ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं होती। लोग कहते हैं कि ट्रैफिक हो तो एडसन मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इनका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, बस पोस्टें इनकी पूरी हों, किसी का कंटेंट ना हो तो कोई परेशानी नहीं होती। तो पोस्टें आपने पूरी कर देनी है और आपको कोई मसला नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कर दिया है और यहाँ पे टेस्ट लाइव पे भी क्लिक कर लेते हैं कि गूगल में हमारी पोस्ट चली गई है या नहीं गई। ये बस आपको दिखाने के लिए, बस एक बार रिक्वेस्ट भेज दो तो ज़रूरी नहीं होता चेक करना। वैसे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा कि हमारी गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो चुकी है या नहीं हुई। तो यहाँ पे देखें हमारा कोई मसला नहीं है, तो ये टोटली हमारी इंडेक्स हो चुकी है। तो यहाँ पे भी 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी इंडेक्स हो चुकी होगी। तो इस तरीके से आपने अपने आर्टिकल बनाने हैं और ऐड करने हैं। आर्टिकल बनाने के लिए आप ग्रामरली यूज़ करेंगे तो उससे ये बेनिफिट होगा कि आपके जो स्पेलिंग की मिसिंग होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये हमने ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट के ऊपर इसका मसला आ जाता है। तो बाद में जब आप ग्रामरली करेंगे तो इसके स्पेलिंग भी ठीक हो जाएंगे और ये परफेक्ट आपका हो जाएगा और आपको कोई मसला भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।